अगर आपके पीछे कभी चीता पड़ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? भागकर आप इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकते, क्योंकि आपका पाला दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जानवर से है। चीते कार से भी तेज 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर आप जंगल में हैं तो पेड़ पर चढ़कर भी आप नहीं बच सकते, क्योंकि शिकार के लिए कहीं भी चढ़ सकते हैं। चीते की पूंछ अगर सीधी है तो समझ लीजिए वो आप पर हमला करने के लिए रेडी है। ऐसे में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपने आंखों को उसके आंखों से मिलाकर रखना है, क्योंकि आप उसके लिए एकदम नई चीज है। आप उसका नॉर्मल खुराक नहीं है, इसलिए चीता हमला खुद के बचाव के लिए कर रहा होगा, ना कि खुराक के लिए। आप को जोर जोर से हिलाकर ताली बजाते हुए चिल्लाना चीखना शुरू कर दे। अगर इसके बाद भी चीता हमला कर दे तो आपको फिर भी घबराना नहीं है। चीते के शुरुआती हमला बनावटी हमला होगा, जो आपको बस डराकर भगाने के लिए होगा। अगर आपके पास बैग, पर्स या जूता है तो उसे उसके बाजू में फेंक दे, ताकि वो उसमें उलझ जाए। अगर इसके बाद भी अगर चीता अपने कदम को पीछे कर रहा है तो समझ लीजिए आपके गर्दन को दबोचने का प्लान है। ऐसे में आप उसके आंखों पर मुक्के से लगातार प्रहार करते रहें, जिससे उसे दिखना बंद हो जाएगा और आप भाग सकते हैं। अगर इससे भी काम न बने तो अगला काम चीता खुद कर लेगा।